So critics often that economic distortion created by subsidy discuss the issue of the subsidy system in India. इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन होता है सब्सिडी से, तो आपको बताना है इश्यू सराउंडिंग द सब्सिडी सिस्टम इन इंडिया. स्वामीनाथन ने क्या बोला था, इफ़ एग्रीकल्चर फेल्स एवरीथिंग एल्स विल फेल. इंडिया हैज़ फेल्ड टू फुली अप्रिशिएट द यूजेस ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड मीन्स टू एडवांसेस नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को आपको इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, ये बोला गया है. तो आप मिलिट्री एक्सपर्ट, इंटरनेशनल रिलेशन, अकेडमिक्स, प्रैक्टिशनर्स एंड रिटायर्ड डिप्लोमेट एंड डोमिनेट द डिबेट्स, वही डोमिनेट करते हैं. एंड इंटरनेशनल लॉयर्स जो होते हैं वहाँ लीगली एबसेंट होते हैं, लॉयर्स को बुलाना चाहिए. इन दिस डिबेट स्पाई सिक्योरिटी इशू आर प्लेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो सिक्योरिटी इशू है आर प्लेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो हमें इंटरनेशनल लॉयर्स को भी बुलाना चाहिए. सो इंडिया हैज़ फेल टू फुली अप्रिशिएट द यूजेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज अ मीन्स टू एडवांस इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. जैसे यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या बोलता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड नेशन. क्या प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, मेंटेनिंग ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन चार्टर में लिखा है. सो आर्टिकल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर रिकॉग्नाइज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो इंडिया हैज फेल्ड टू अप्रिशिएट द यूजेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू एडवांस इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. सो जैसे हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था, तो हमने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, हमें वो करना चाहिए था. यूनाइटेड नेशन में जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, हमने वो इन्वोक किया है. सो इट इज डेमोन्स्ट्रेट द इंडिया फेलियर टू यूज अ इंटरनेशनल लॉ फ्रेंडली वोकैबुलरी टू आर्टिकुलेट इट सिक्योरिटी इंटरेस्ट. हमें इंटरनेशनल लॉ फ्रेंडली वोकैबुलरी यूज़ करनी चाहिए. हमने पूछा, हमने बोला रिलाइड ऑन कंटेस्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव एक्शन. हमें ये बोलना चाहिए था यूनाइटेड नेशन का सेल्फ डिफेंस प्रोविजन है, राइट टू सेल्फ डिफेंस हमने यूज़ किया है. सो वी शुड यूज़ इंटरनेशनल लॉ फ्रेंडली वोकैबुलरी. इंडियन गवर्नमेंट ने बोला इट इज़ अ नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव एक्शन, जबकि हमें ये बोलना चाहिए था यूनाइटेड नेशन राइट टू सेल्फ डिफेंस हमने वो इन्वोक किया है. तो इंडिया शुड यूज़ इंटरनेशनल लॉ फ्रेंडली वोकैबुलरी. यूएन के प्रोविजंस में सेल्फ डिफेंस का प्रोविजन, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हर जगह मानते नहीं है, लेकिन सेल्फ डिफेंस का प्रोविजन यूनाइटेड नेशन में लिखा हुआ है. जैसे एमएफएन स्टेटस सब्जेक्ट क्या कर सकते थे, हटा सकते थे, कर सकते थे पुलवामा अटैक के बाद. हमने एमएफएन स्टेटस सस्पेंड तो किया, लेकिन हमने जो बोला वो गलत बोला. जैसे उसमें इंटरनेशनल लॉ में जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक में है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप डेविएट कर सकते हो एमएफएन ऑब्लिगेशन. यू कैन ड्रॉप एमएफएन ऑब्लिगेशन, यू कैन सस्पेंड ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. इंडिया इज बाउंड बाई प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिफॉल्टमेंट, जबकि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है रिफ्यूजी कन्वेंशन की. जैसे हमने डिपोर्ट कर दिया रोहिंग्या रिफ्यूजीज को, पोज अ सीरियस थ्रेट. तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ नॉन डिफॉल्टमेंट प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ. तो हमें यह होना चाहिए इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ में ही लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू नॉन डिफॉल्टमेंट प्रिंसिपल, नॉन रिफॉल्टमेंट. तो हमें ये प्रिंसिपल है नॉन रिफॉल्टमेंट, जिन्होंने साइन नहीं किया वो उनको भी फॉलो करना पड़ता है नॉन रिफॉल्टमेंट. लेकिन नेशनल सिक्योरिटी जो है एक एक्सेप्शन है टू द नॉन रिफॉल्टमेंट प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ. जैसे इंडिया विश टू रिपोर्ट रोहिंग्यास, तो हमें केस डेवलप करना चाहिए था कि दे कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. सो दैट्स वाई इट इज़ एन एक्सेप्शन टू इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ. कुछ इंस्टेंसेज है जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से एबली यूज द इंटरनेशनल लॉ. फॉर एग्जाम्पल कुलभूषण जाधव केस में हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया है, वी हैव एबली यूज द इंटरनेशनल लॉ फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट सच एस कुलभूषण जाधव केस, वी ड्रैग पाकिस्तान टू द ICC. तो हमें इंटरनेशनल लॉयर्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज देर इज अ नाउ देर इज अ मार्जिनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स इन पॉलिसी मेकिंग, इन फॉरन पॉलिसी मेकिंग. एंड दिस शुड गिव द फार ग्रेटर इंटेंसिव इंसेंटिव टू जॉइन गवर्नमेंट. सो अदर मिनिस्ट्रीज, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस, ठीक है, दे ऑल्सो डील विद डिफरेंट फेसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट दे हैव नेग्लेजिबल एक्सपर्टीज इन द इंटरनेशनल लॉ. सो देर इज अ सिस्टमेटिक निगलेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, देर सिस्टमेटिक निगलेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ. आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट दैट इंडिया हैज़ प्रोड्यूस प्रेफर टू कन्वर्ट डोमेन एक्सपर्ट्स ओनली, दैट दे फेल टू पॉपुलराइज इंटरनेशनल लॉ अमंग द लार्जर पब्लिक. दे फेल टू पॉपुलराइज द इंटरनेशनल लॉ अमंग द लार्जर पब्लिक. सो इफ इंडिया विशेष टू अमर्ज एज अ ग्लोबल पावर, इट हैज़ टू मेक यूज ऑफ लॉ फेयर, मीन्स यूज ऑफ द लॉ एज अ वेपन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. लॉ फेयर मतलब यूज ऑफ द लॉ एज अ वेपन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. सो इंडिया हैज़ टू मेक यूज ऑफ लॉ फेयर, दट इज यूज ऑफ द लॉ एज अ वेपन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी.